An Academy. Let's crack it. Yes, yes, Gaurav, you're absolutely right. If you're squatting, I am so proud of you. You should have at least one Indian toilet in your house, I guess. I don't have a house of my own, but whenever I build a house of my own, I'm definitely gonna get a simple Indian seat first. People can think whatever they want. It's also more hygienic, especially if it's a public toilet. An Indian style toilet will always be more hygienic than a Western style toilet. The UTIs these days are rising, you know, especially in women, urinary tract infections, because women have to sit on the seat, they can't stand and pee. It is because of the use of the Western toilet, which is contaminated. And of course, now there is an entire market of brands like PSafe who are producing toilet seat sanitizers. UTIs are still a big problem. Okay, so I am all for Indian seat. Anyway, ये न्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त आपने देखा होगा. बड़ा अच्छा क्रैकर शो हुआ. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा सा स्टैचू अनवेल किया गया. इसकी हाइट है 206 फीट हाई और इसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस. और जाहिर सी बात है कि अम्बेडकर ने हमेशा जस्टिस की बात की, तो स्टैचू का जो नाम है वो एकदम एप्ट है. ये 404 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ये 18.81 एकर्स में फैला हुआ है. ये विजयवाड़ा में इंस्टॉल हुआ है और दो तीन दिन पहले ही इसको इनॉग्रेट किया गया. और 125 फुट का स्टैचू है और नीचे का पेडेस्टल है 85 फीट. इसको इनॉग्रेट करा चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने. ठीक है, तो किसने इनॉग्रेट करा? मोहन रेड्डी जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है. कहाँ पर? विजयवाड़ा पर. कहाँ? कब? 19 जनवरी को. क्या बोलते हैं इसको? स्टैचू ऑफ जस्टिस. हाइट कितनी है? 206 फुट. ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए. यस, मैंने पीकू देखी है. ठीक है, यस यस गौरव, दैट्स ऑल्सो ट्रू. इंडिया टॉप रैंकिंग टेनिस सेंसेशन सुमित नागल क्रिएट्स हिस्ट्री. हाउ? सो हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री? ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन मैन इन 35 ईयर्स टू बीट अ सीडेड प्लेयर एट द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट. He secured his spot in the second round of the Australian Open after defeating world number 27 Alexander Bublik of Kazakhstan in a commanding straight set victory. तो हिस्ट्री क्या है? 35 साल में इंडिया में किसी ने जाके ग्रैंड स्लैम प्लेयर को नहीं हराया. सुमित नागल ने हराया. किसको हराया? कजाकिस्तान के प्लेयर अलेक्जेंडर बबलिक को. कजाकिस्तान का ये प्लेयर अलेक्जेंडर वर्ल्ड नंबर 27 है. ठीक है, तो आई थिंक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है. UPSC में थोड़े ज़्यादा डिटेल आता है, MBA में उतना डिटेल नहीं आता. तो सुमित नागल फर्स्ट इंडियन मैन एट ग्रैंड स्लैम. कहाँ? ऑस्ट्रेलियन ओपन. इतना इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट अलेक्जेंडर और कजाकिस्तान, अगर आप याद रख सकें तो और अच्छी बात है. ठीक, यस यस आकाश, वी विल डिस्कस अबाउट एसेज. वी विल डू अ स्पेशल क्लास, फ्री क्लास ऑन हाउ कैन वी इम्प्रूव आर एसेज एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग. डोंट वरी, वील हैव दोज क्लासेस. ऑलराइट, आई एम नॉट श्योर गोपाल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग परसेंटाइल. कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग, नहीं कर रहे हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 97 परसेंटाइल. ऑसम. ठीक है, आई थिंक जो फॉर्म्स आ रहे हैं भर दो, देखो क्या आता है झोली में. या नेक्स्ट इज पिक्सेल ने अपना स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ खोला है? तो पिक्सेल ने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में सेटअप करा है. और इसका प्लान है कि ये 2025 तक 6 सैटेलाइट इस साल और 18 अगले साल तक मैन्युफैक्चर कर देगी. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी भी ग्रो कर रहा है. तो पिक्सेल इज़ अ स्पेस डेटा कंपनी. ये बैंगलोर में ही बेस्ड है और इसने बैंगलोर में ही ये फैसिलिटी स्टार्ट की है. कोई अगर आपसे स्टैटिक जीके में पूछे कि बफलो फाइट्स का फेस्टिवल मोह जज कहाँ होता है, कौन से स्टेट में होता है, तो इसका आंसर है आसाम. ये 9 साल तक बंद था और अब ये वापस आ गया है. सो मोजुज द ट्रेडिशनल बफलो फाइट्स हैव मेड अ कमबैक इन आसाम आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 9 ईयर्स. हायटस का मतलब होता है ब्रेक. लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कोई आपसे पूछे कि कौन सा इंडियन ब्रांड आज की तारीख में सबसे स्ट्रांग माना गया है, ये भी ब्रांड फाइनेंस की स्टडी है. ब्रांड फाइनेंस की स्टडी हमने शुरू में भी पढ़ी थी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर TCS वाली फर्स्ट पॉइंट. ये भी ब्रांड फाइनेंस की स्टडी है ग्लोबल 500 की. इसके हिसाब से इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है जियो, और जियो ने LIC और SBI को भी पीछे छोड़ दिया है. तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड का खिताब जाता है जियो को. ठीक है, ग्लोबल एरोस्पेस जायंट बोइंग, आपने बहुत सारा एयर बोइंग 377, एयर बोइंग फलाना, ऐसे एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा.
तो बोइंग ने अपना बहुत बड़ा 36,000 स्क्वायर फीट के एरिया पर अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंडिया में खोला है। और आपको पता है कितने छोटे से कस्बे में खोला है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। मुझे याद है हम बचपन में आगरा से ऋषिकेश जाया करते थे, तो खुर्जा रास्ते में पड़ता था क्योंकि तब हाईवेज बने हुए नहीं थे। एंड आगरा टू ऋषिकेश यूज़ टू बी अ 10 आवर 11 आवर ड्राइव। वी यूज़ टू हैव अ पेटी मारुति 800 जब एसी भी नहीं होता था गाड़ियों में, तो हम गर्मी में पसीने पसीने ऋषिकेश हरिद्वार जाते थे। और खुर्जा रास्ते में पड़ता था, और खुर्जा अपनी पॉटरी और सेरेमिक वाजेस के लिए बहुत फेमस है। तो सड़क पे आपको लगातार सेरेमिक का सारा सामान मिलता है, ठीक है। तो उसी छोटे से कस्बे में जिसे हम खुर्जा कहते हैं, वहाँ पर बोइंग ने अपना 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहला इंडिया में डाला है। और ये बोइंग के टॉप 8 बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में से एक है। सो इट्स अगेन वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ खुर्जा एंड उत्तर प्रदेश। सो वेरी गुड स्टेप आई वुड से बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। फिर कोई आपसे पूछे कि इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट की हैसियत से कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आंसर है विनीत मैकाटी और वाइस एडमिरल विनीत मैकाटी, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप जियो के लिए आप ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए फिर कोई आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट कौन सा होता है? सिविल एविएशन इज लोकल एविएशन, राइट? तो उसका आंसर है विंग्स इंडिया 2024। ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एशियन एविएशन इवेंट है, इंडिया का नहीं। और ये कहाँ हो रहा है? ये हैदराबाद में हो रहा है, बेगमपेट एयरपोर्ट पर, ठीक है। हाँ जी, हम यूपी से हैं, अब नहीं है यूपी में, अब हरियाणा आ गए हैं। फिर ये तो सबको पता है, नंबर 20 की T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाया है शर्मा जी के लड़के ने। तालियां बजती रहनी चाहिए। सबको पता है रोहित शर्मा ने मैक्सिमम सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपने नाम कर लिया है। फिर कोई आपसे पूछे कि स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो आप अगर इन 4 स्टेट्स में से हैं तो सीना तानकर कहिए, गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टार्टअप परफॉर्मेंसेस हैं, और लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बढ़िया चल रही हैं, ठीक है। विंग्स इंडिया 24 एशिया के सबसे बड़े सिविल एविएशन इवेंट का नाम है। अभी एविएशन इज एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, एंड सिविल मतलब एक तरीके से इंडिया इंडिया में रहेगा, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में है, और कहाँ है? बेंगलुरु बैंगलोर का नया नाम है ना भाई, तो कर्नाटका में है वो, यहाँ आ गया ना। स्टेट्स बोल रहे हैं, बैंगलोर स्टेट थोड़े ही है, सिटी है ना, ठीक है। फिर 22 भी मेरे को बहुत पसंद है ये न्यूज़, क्योंकि ये बच्चा बड़ा कमाल है और इसने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन डिंग लिरेन, जो कि चाइना से हैं, उनको टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में हराया है। और ये नीदरलैंड्स में हुआ था 16 जनवरी को, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। और इंडिया का नंबर 1 प्लेयर विश्वनाथन आनंद, जो कि इनसे बहुत सीनियर और एल्डर हैं, लाइव रेटिंग्स के मामले में उनकी रैंकिंग पीछे छोड़ दी है। इस बालक ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। सो अ वेरी आई वुड से इज़ अ प्रोडिजी, इज़ अ राइजिंग स्टार। इनफैक्ट इज सिस्टर इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल। सो बोथ द सिबलिंग डुओ इज़ यू नो जस्ट स्मैशिंग इट एट चेस। आई होप यू स्मैश कैट लाइक दैट। एंड ही इज डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियन इन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। आईसीसी ने किस महिला को पहला फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर अपॉइंट करा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल विमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत आते हैं, प्लस आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका आइडल कौन है या आप किसे रोल मॉडल मानते हैं, तो आप ऐसे अच्छे आंसर्स भी दे सकते हैं इनके बारे में पढ़कर, रिसर्च करकर, तो आपका जीके देखने को मिलता है वहाँ पर, आप कितने अवेयर हैं देखने को मिलता है। तो आईसीसी ने सू रेडफर्न को अपॉइंट करा है एज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर किसी भी बायलेटरल सीरीज को अम्पायर करने के लिए। तो आने वाली जितनी भी विमेंस लीग हैं उसमें ये अम्पायर का रोल प्ले करेंगी। डेनमार्क को नया किंग मिला है, इनका नाम है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10th, और इनकी अम्मी ने पहली बार इतिहास रचा है कि उन्होंने 83 की हैं वो, और उन्होंने 52 ईयर्स क्राउन पे वो बैठी रही, उनका अधिकार था, वो क्वीन थी।
उन्होंने विलिंगली एबडिकेट कर दिया थ्रोन को कि बेटा चलो अब माँ बूढ़ी हो चली, अब तुम संभालो कार्यभार। अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्वीन या किंग अपना तख्ता तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनकी सांस चलती है, पर इन्होंने, इनकी अम्मी ने पहली बार ऐसी व्यक्ति बनी जिन्होंने बोला कि ले लो भाई अब राज्यभार तुम संभालो, ताज का बोझ हमारे सिर से उतारो। और अब उनके पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक 10th बन गए हैं कि डेनमार्क के किंग। फीफा की बेस्ट वुमेन प्लेयर का अवार्ड किसको मिला पिछले साल? आयटाना बॉनमटी को मिला। ठीक है, अगर आप अगले साल इंटरव्यू देंगे 2025 में तो ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि 23 का की प्लेयर हैं, 24 का भी अवार्ड अगले जनवरी तक आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आयटाना बॉनमटी इज़ द आंसर। निपा वायरस की वैक्सीन लॉन्च करी है किसने? ऑक्सफर्ड के साइंटिस्ट। ठीक है, और निपा वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? फ्रूट खाने वाले बैट से, जिनको हम फ्रूगीवोर्स कहते हैं, या इन्फेक्टेड एनिमल्स से, जो लोग स्पेशली हैम पोर्क खाते हैं वहाँ से आने के चांसेस हैं, और पर्सन टू पर्सन भी ये फैलता है। ठीक है, तुम लूडो में हरा दोगे, वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है, बोलती हूँ मैं प्रज्ञानंद को, थोड़ा अपॉइंटमेंट देगा तुम्हें लूडो खेलने का। ठीक है, मेसी का भी आ रहा है, डला हुआ है इसमें सूरत तीर्थ। एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि कौन सी लैंग्वेज को इंडिया की 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में शामिल किया जाएगा? आंसर है फारसी। मुझे काफ़ी टफ लगती है पर्सनली, मतलब ऐसे तो जो लैंग्वेज नहीं आती वो टफ ही लगती है, बट मुझे लगता है पर्शियन थोड़ी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है। पुरानी इंडियन हिस्ट्री आपको पर्शियन में पढ़नी पड़ती है, तो इंडिया में बहुत पुराने ज़माने में पर्शियन चला करती थी, और उर्दू और अरबी से भी टफ मानी गई है पर्शियन, और इनफैक्ट उर्दू और अरबी पर्शियन से डिराइव्ड मानते हैं। तो पर्शियन को जयशंकर जी ने कहा कि 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया जाए, और ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग हुई है 2024 में, इसमें हम आए हैं नंबर 4th, हमारी मिलिट्री नंबर 4 पर आती है, पाकिस्तान नंबर 9 पर है। इससे पहले कि आप जानना चाहें, हमारी टेंडेंसी होती है ना शर्मा जी के लड़के और हमारे दुश्मन जितने हैं उन सब के बारे में पता करें, तो पाकिस्तान 9th पर है, हम 4th पर हैं, रशिया 2nd पर है, चाइना 3rd पर है, और US ऑब्वियसली नंबर 1 पर है। आई थिंक ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, सबको पता है कि इट्स US, रशिया, चाइना एंड इंडिया। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये तो ईजी क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने इंडिया की पहली काउ सेंचुरी इंक्लूड करी है। आई थिंक सबको पता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, और ये सेंट्रली फंडेड है, मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरपुर मत लिख लीजिएगा, वो बिहार में है, और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर बनाई गई है इंडिया की पहली काओ सेंचुरी। कौन सा ऐसा देश है जिसने ग्लोबल पीस सबमिट करने की ठानी है यूक्रेन के कहने पर? तो उसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा है और उसने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे और हम इसे होस्ट करेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा देश है इनफैक्ट जिसके साथ इंडिया ने लिथियम के लिए माइनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए डील साइन करी है? तो इंडिया लिथियम के लिए एक्सप्लोर और माइनिंग करना चाहता है अर्जेंटीना में। कोई कंपनी का नाम पूछे तो आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए कैमियन से, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा अर्जेंटीनियन नेम कोई आपसे पूछने वाला है। ठीक है, ये तुम लोग कहाँ, हाँ पर्शियन का वो है, कुछ कुछ लिरिक्स पर्शियन से ली गई है, बिनते दिल की। ठीक है, तुम लोग कहाँ, कौन सी बातों पे पहुँच गए हैं भगवान। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, प्राकृत और पाले डालकर 9 हो जाएंगी, दैट्स करेक्ट। सुरतीर्थ, आगे आपका करंट अफेयर। लायनल मेसी को फिर से मिला है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, ये तीसरी बार जीते हैं 4 साल में पिछले, तो मेसी मेरे ब्रदर का भी फेवरेट है, सो 3rd time इन द लास्ट 4 years बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर। फीमेल हमने कर लिया था बोनमती जी, ये रहा आयताना बोनमती। ओके, मिस अमेरिका 24 का टाइटल मिला है मैडिसन मार्श को, ये भी आप याद रख सकते हैं। ग्वाटेमाला को मिले हैं उनके न्यू 52nd प्रेसिडेंट, जिनका नाम है बर्नार्डो आरवालो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।